नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी राजस्थान में स्वागत है। झालाना लेपर्ड सफारी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भट्टा लगा रहे हैं जिप्सी संचालक। झालाना आमागढ़ में गाड़ियों के रोस्टर प्रणाली में बड़ी हेरफेर हो रही है। जिप्सी संचालक मनमाने तरीके से अपनी मर्जी की गाड़ियां बदल कर ले जाते हैं। चहेतों के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए हैं। वन विभाग के आदेशों की प्रति हम आपको दिखाते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि सफारी वाहन संख्या RJ14TE6615 करीब एक माह से खराब है एवं सर्विस के लिए वर्कशॉप में है। इसके बावजूद भी इस वाहन को झालाना व आमागढ़ सफारी में रोस्टर दिया जा रहा है। इस वाहन के बदले वाहन स्वामी द्वारा अन्य वाहन के माध्यम से सफारी कराई जा रही है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वाहन उपलब्ध होने पर ही वाहन को रोस्टर दिया जाए एवं जिस वाहन को रोस्टर दिया गया है उसी वाहन को जंगल में प्रवेश दिया जाए। दूसरा बिंदु है, प्राय ये भी देखा गया है कि आमागढ़ में जिन वाहनों को रोस्टर दिया गया है उनके स्थान पर अन्य वाहनों के माध्यम से सफारी कराई जाती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आमागढ़ या झालाना में जिन वाहन का रोस्टर आता है उसी वाहन से सफारी कराई जाए। तीसरा बिंदु है, ये भी देखा गया है कि पंजीकृत वाहन चालकों के अलावा अपंजीकृत वाहन चालकों से सफारी वाहन चलवाए जाते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि पंजीकृत वाहन चालक से ही वाहन चलाया जाए। चौथा बिंदु है, वाहन चालक सफारी के दौरान निर्धारित गणवेश नहीं पहनते हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि वाहन चालक निर्धारित गणवेश में ही सफारी करें। और पांचवा बिंदु है, 25 अक्टूबर 2022 को झालाना में टिकट चेक करने पर ज्ञात हुआ कि वाहन संख्या 6 में टिकट किसी अन्य नाम से बुक था परंतु पर्यटक अलग नाम के थे। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिसके नाम से टिकट है उसी को सफारी में प्रवेश दिया जाए। गेट पर टिकट के साथ पर्यटक की आईडी भी चेक की जाए। इस आदेश में साफ लिखा है वन विभाग ने कि किसी भी तरह से गाड़ियां एक्सचेंज नहीं होगी। आदेशों के बावजूद रेंजर जनेश्वर चौधरी के चहेते बदल कर ले जाते हैं गाड़ियां। ये आदेश भी रेंजर द्वारा दिए गए हैं। अगर आप इसमें दूसरा पॉइंट वापस पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें साफ साफ लिखा है कि जिस गाड़ी का रोस्टर दिया गया है उसी गाड़ी को अंदर जाने दिया जाए। सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। क्या आखिर अनहोनी के बाद ही संभालेंगे मंत्री हेमाराम इस जंगल को? सवाल ये है कि सरकारी आदेशों की धज्जियां साफ तौर पर कैसे उड़ाई जा सकती हैं? क्या किसी भी चीज का डर जिप्सी संचालक को नहीं है? इस खबर से जुड़ी अपडेट के लिए वीरी टीवी राजस्थान से जुड़े रहें। नमस्कार।